हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा डिज़ाइन पैटर्न। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो है 8 रो की है। चलिए आपको डिज़ाइन पैटर्न बताते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसे प्रेस करना ना भूलेंगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो है 4 के मल्टीपल आप फंदे लीजिएगा, प्लस 3 फंदे आपको एक्स्ट्रा लेने हैं। तो यहाँ पर टोटल हमने 15 फंदे लिए हुए हैं। और आप कोई भी बॉर्डर बना लीजिए, उसके बाद इस डिज़ाइन को बनाइए। जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कार्डिगन, जैकेट और ये कैप, सब में आप डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन पैटर्न आपको बताते हैं। तो देखिए, हमारा ये फर्स्ट रो है, राइट साइड है। तो फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करते हैं, आप चाहें तो बुन भी सकते हैं, ऑप्शनली है। इसके बाद धागे को अपनी साइड करेंगे। देखिए, 1 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर एक जाली वाला फंदा लेंगे यार्न ओवर, फिर इसके बाद ये 2 फंदे जो हमारे हैं 1 2, 2 फंदों का एक करेंगे, 2 का 1, फिर देखिए 1 फंदा हमने बुना। तो यही 4 फंदे आपको बार बार रिपीट करने, 1 साइड का एड स्टिच है। तो देखिए, 1 फंदा उल्टा बुना, 1 जाली वाला फंदा, क्योंकि यहाँ पर 2 का 1 हुआ तो यहाँ पर जाली द्वारा एक फंदा हमारा बढ़ गया, और 2, ये 4 फंदे हमारे यही बार बार रिपीट होंगे। तो देखिए, 1 फंदा उल्टा जाली, फिर 2 का 1, फिर ये एक फंदा। तो देखिए, इसी तरह आपको बनाते जाना है। तो देखिए, 1 फंदा उल्टा जाली, फिर ये 2 का 1 करेंगे, और ये 2 फंदा उल्टा और 1 साइड का एड स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। सेकेंड रो है, रॉन्ग साइड है। देखिए, फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए, 3 फंदे, 1 2 3, 3 फंदा सीधा, धागे को आगे लाएंगे। ये जो हमारा ये जाली वाला फंदा है ना, इसे केवल ऐसे स्लिप कर लेना है। फिर देखिए, धागे को अपनी ही साइड रखेंगे, यहाँ बुनेंगे तो इसके ऊपर ये 2 धागे हो जाएंगे। देखिए, जब बुनेंगे ना, देखिए सीधा बुना तो यहाँ पर 2 धागा हो गया। तो एक फंदा बुना, 2 3, अब यही पैटर्न आपको रिपीट करना। धागे को अपनी साइड, जाली को स्लिप करेंगे, फिर ऐसे बुनाई कर लेंगे। देखिए, 1 2 3, धागे को आगे करेंगे, ये जाली स्लिप करेंगे, और ये देखिए ऐसे बुन लेंगे। तो यहाँ पर 2 धागे हो जाएंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे और ये फंदा उल्टा बुनेंगे, क्योंकि ये साइड का एड स्टिच है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये थर्ड रो आ गया। फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, धागे को अपनी साइड लाएंगे। देखिए, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। ये जो हमारे देखिए 2 धागे हैं ना, 1 2, ये जाली वाला, इसे हम स्लिप कर लेंगे, फिर धागे को इसके ऊपर से ऐसे लाएंगे। देखिए, हमारा तीसरा हो गया धागा, ठीक ना। और फिर देखिए, 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, फिर देखिए सेम 1 2, 2 धागे हैं ना, इसे स्लिप करेंगे। अब देखिए, ये इसके ऊपर से एक ले लिया, ये तीसरा धागा हो गया। फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर ये देखिए 1 2, इसे स्लिप करेंगे, ऐसे इसके ऊपर से ले लेंगे धागा। फिर देखिए, 1 2 3, ये साइड का एड स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा थर्ड रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, 4 रो रॉन्ग साइड। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, 3 फंदा पहले सीधा बुनेंगे। देखिए, 1 2 3, धागे को आगे लाएंगे। अब देखिए, 1 2 3, 3 फंदे हैं ना, इसे हम 3 का 1 ऐसे कर देंगे। जो हमारे 3 धागे हैं उन्हें हम बुन लेंगे, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, अब धागे को आगे लाएंगे, ये 3 धागों का 1 करेंगे। फिर देखिए, धागे को पीछे ले जाएंगे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागे को आगे लाएंगे, देखिए इसे हम 3 फंदों का 1 करेंगे। धागे को पीछे ले जाएंगे, 1 फंदा सीधा, 1 साइड का एड स्टिच, क्योंकि ये रॉन्ग साइड है। 4 रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। देखिए,
ये फोर रो कंप्लीट हो गया। अब देखिए फिफ्थ रो राइट साइड, फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए 1 2 3, अब हम ये तीन फंदे बुनेंगे और इस फंदे पर हमें डिजाइन बनाना है। जैसे यहाँ पर हमने जाली ऐसे डाला और ये 2 का 1 करेंगे, देखिए इस तरीके से। फिर देखिए ये 1 फंदा हो गया ना, 2 और 1 3, फिर जाली डालेंगे और यहाँ 2 का 1 कर देंगे, देखिए 2 का 1, फिर 1 2, तो हमारे 3 फंदे हो गए। देखिए फिर जाली डालेंगे और ये 2 का 1 करेंगे और 1 फंदा ये साइड का एड स्टिच है, इसे सीधा बनेंगे। तो ये हमारा फिफ्थ रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए ये 6th रो है रॉन्ग साइड, फर्स्ट फंदे स्लिप करेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, 1 फंदा सीधा, धागे को अपनी साइड, ये धागा स्लिप करेंगे और 3 फंदे सीधा बुनेंगे। देखिए इसके पर ऊपर अब हमारा दूसरा धागा आ गया, 1 2 3, धागे को अपनी साइड करेंगे, देखिए इस धागे को स्लिप करेंगे और जब बुनाई करेंगे तो इसके ऊपर दूसरा धागा आ जाएगा, 1 2 3, फिर धागे को अपनी साइड करेंगे, इसे स्लिप करेंगे और इसके ऊपर से ये धागा बुन लेंगे। देखिए अब ये 3 फंदे हमारे सीधे 1 साइड का एड स्टिच, ये हमारा 6th रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए ये 7th रो है राइट साइड, फर्स्ट फंदे स्लिप करेंगे, धागे को अपनी साइड, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, धागे को अपनी ही साइड रखेंगे और ये देखिए 2 धागे हैं ना, इसे हम स्लिप करेंगे और ये देखिए एक बार यार्न ओवर करेंगे तो 3रा धागा हमारा हो गया। फिर इसके बाद 1 2 3, 3 फंदे हमने उल्टे बुने। अब फिर देखिए 1 2, ऐसे स्लिप करेंगे, इसके ऊपर से ये 3रा फंदा धागा लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर देखिए ये 2 धागे हैं ना, इसे हम स्लिप करेंगे, इसके ऊपर से 3रा धागा लेंगे और 1 फंदा ये उल्टा बुनेंगे, 1 सीधा। तो फ्रेंड्स हमारा ये 7th रो कंप्लीट हो गया। अब 8th रो रॉन्ग साइड, फर्स्ट फंदे को स्लिप करते हैं, धागे को पीछे ले जाएंगे, 1 फंदा सीधा, धागे को अपनी साइड और ये 3 धागों का 1 करेंगे, देखिए 1, फिर धागे को पीछे ले गए, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागे को अपनी साइड किया, ये 3 फंदों का 1 किया, जो हमारे 3 धागे हैं। फिर इसके बाद 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फिर धागे को अपनी साइड किया, 3 फंदों का 1 किया और धागे को पीछे ले गए, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, 1 फंदा उल्टा, ये साइड का एड स्टिच है। तो फ्रेंड्स हमारा 8th रो कंप्लीट हो गया। देखिए जब 1 से लेके 8th रो आप ऐसे रिपीट करते जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो पूरी डिजाइन देखिए इस तरह बनकर आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह बन करके ऐसे आएगी, देखिए ऐसे लाइनिंग लाइनिंग, ऐसे 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 ये तिरछा ऐसे लाइन बनता जाएगा। तो इस फ्रेंड देखिए बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन है। देखिए ये राइट साइड है और देखिए ये रॉन्ग साइड है, दोनों साइड से ये सॉल स्टॉल मफलर में अगर ये डिज़ाइन आप डालते हैं फर्स्ट रो से, तो दोनों साइड से ये डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारा बनकर आएगा। तो फ्रेंड्स इसे आप बनाइए, अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।